हैप्पी शिवरात्रि गाइस, हर हर महादेव। ये देखो पूजा का सामान पूरा रेडी है। पूजा का सामान मिलना दुबई में कितना मुश्किल होता है ये तो आप लोग जानते होंगे। तो मंदिर के पास जाके ये देखो बेर लेके आई हूँ मैं, दूर्वा लेके आई हूँ, और उसके साथ साथ हैं फूल और बेलपत्र। मिलना तो बहुत ही मुश्किल था बट मुझे मिल गए थे बेलपत्र। देखो कुछ रखे हुए इस तरह से, मैंने पूजा की थाली पूरी रेडी कर ली है। और इसके साथ साथ लेके आए थे हम शिव जी की मूर्ति, और शिव जी की मूर्ति को करवाना था पंचामृत से स्नान। तो मैं बनाने लग गई थी पंचामृत। देखो इसमें मैंने लिया थोड़ा सा दूध, और उसके साथ साथ मैंने रखा है दही। दही और दूध बराबर बराबर लेना होता है। मैंने दही दूध लेने के बाद थोड़ा सा घी डाला इसमें, और उसके बाद डाला मैंने थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि इसमें पांच चीजें मिक्स करनी थी जैसा कि ये पंचामृत बना रही थी। शक्कर डालने के बाद इसमें डालना था थोड़ा सा हनी, और हनी भी मैं नया लेके आई थी, सारी चीजें नई नई आई थी। और उसके बाद ये मैंने कर दिया मिक्स, और मिक्स करने के बाद एक नई सी थाली भी लेके आई थी शिव जी के स्नान और अभिषेक के लिए। तो सबसे पहले मैंने शिव जी को थाली में स्थापित किया, उसके बाद फिर मैंने दुर्वा से शिव जी का अभिषेक किया पंचामृत से, और उसके बाद शिव जी को करवाया पूरा पूरा स्नान पंचामृत से। उसके बाद पानी से स्नान करवाते हैं शिव जी को। स्नान करवाने के बाद मैंने शिव जी की अपने भोलेनाथ जी की मूर्ति को उनकी तौलिए से अच्छे से सुखाया, और उसके बाद मंदिर में स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद इस तरह से देखो हमारा मंदिर है। पहले शिव जी हैं यहाँ पे, वैष्णो माता है, और माता रानी का फोटो है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो माता रानी की मूर्ति है, और छोटे देखो एक गोल्डन कलर की छोटी सी माता रानी की मूर्ति भी हमने ले रखी है। इधर लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता के लिए मैं पिंक चुनरी लेके आई, और गणपति बप्पा जी हैं। फिर उसके बाद मैंने जलाया घी का दिया, जैसा कि घी का दिया ही जलाया जाता है हर पूजा के लिए। और हाँ, ये रुद्राक्ष की माला मैं बहुत दिन से मंगा के रखी थी कि जब शिव जी की मूर्ति आएगी, जब शिव जी हमारे घर में आएंगे तब मैं उनको पहनाऊंगी, तो ये पहना दिया। और फिर अगरबत्ती जला के मैंने स्टार्ट कर दिया पूजा। जैसा कि माना जाता है पांच अगरबत्ती जलाई जाती है, तो देखो मैंने पांच अगरबत्ती जलाई है। और उसके बाद भोग भी लगाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था शिव जी के लिए मैं बेलपत्र और फूल वगैरह सारी चीज़ें लेके आई थी। तो एक एक करके मैंने सारा चढ़ाना स्टार्ट किया। इसमें देखो फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, और ये पिंक कलर के भी कोई फूल हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है। सारे फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ा सा पूजा किया, मन्नत मांगी शिव जी से। ऐसी रही मेरी पूजा, आप लोगों की पूजा कैसी रही कमेंट में बताओ। हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन।